हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नेशनल हाईवे पर हादसा, बस कार की टक्कर में युवक की मौत। नेशनल हाईवे 68 पर धमाड़ा का गोलिया सरहद में हुआ भीषण हादसा। क्षेत्र में गुजरने वाले नेशनल हाईवे 68 पर धमाड़ा का गोलिया सरहद में बस व कार की भिड़ंत के भीषण हादसे में कार चालक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद सांचौर पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं हादसे का शिकार युवक कार में इस कदर फंस गया कि ग्रामीणों की सहायता से मुश्किल से बाहर निकाला गया। हादसे के बाद हाईवे के दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। इस दौरान अचानक हुए हादसे को लेकर निजी बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान बस में सवार 6 लोगों को भी मामूली चोट आई, जिसे शहर की निजी अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। हादसे के शिकार युवक के शव को सांचौर पुलिस ने उपखंड मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुत्र किया गया। हादसे के दौरान निजी बस सवारियां भरकर सांचौर से मीठीबेरी की ओर जा रही थी, वहीं कार मीठीबेरी से सांचौर की ओर आ रही थी। इसी दौरान हाईवे पर दोनों वाहनों की सीधी भिड़ंत हुई, जिससे दोनों वाहनों की गति तेज होने की वजह से कार में सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धमाड़ा गोलिया के पास हुए गंभीर हादसे की आवाज आसपास के करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में सुनाई दी। इस दौरान कार में सवार युवक नरसिंहराम चौधरी पुत्र जगसीराम उम्र 35 वर्ष निवासी भादरुणा, जो कि पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी का भतीजा था। ऐसे में हादसे की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल होने से परिवार में शोक की लहर छा गई, वहीं परिवार में कोहराम मच गया। जागरूक टीवी के सांचौर से बिंजाराम डूडी की रिपोर्ट।